आलू बुखारा खालिस गिज़ा भी है और दवा भी है। इस वीडियो में आपको आलू बुखारे के फ़ायदे बताए जाएंगे। गिज़ायत और फ़ायदे, इसमें आम मादी नमकियात के अलावा तांबा भी पाया जाता है, इसीलिए ये फल हर लिहाज से मुफीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिफरा का जोर तोड़ता है, प्यास को कम करता है और मतली को दूर करता है। ये कब्ज़ कुशा है, जिगर के फाल को दुरुस्त रखता है। जब ताज़ा फल दस्तियाब ना हो तो खुश्क आलू बुखारे इस्तेमाल करने चाहिए। 7-8 आलू बुखारे रात को भिगो कर रख दें, सुबह उनको मल छान कर पी लें। इससे कब्ज़ दूर होता है और जिगर का फाल सही होता है। मतली की सूरत में आलू बुखारे मुंह में रख कर चूसने से मतली दूर हो जाती है। मौसम में खाने का फ़ायदा, अगर मौसम में बाकायदगी से यह फल खाया जाए तो कब्ज़, भूख ना लगना और जिगरी जैसी शिकायतें दूर हो जाती हैं। आलू बुखारा तबीयत को नरम करता है, आंतों में फिसलन पैदा करता है और बावजूद तरशी के खांसी के लिए मुदर नहीं। आलू बुखारे के पत्ते, नाक के नीचे इसके पत्तों के लेप से पेट के कीड़े खारिज हो जाते हैं। इसके पत्तों का जो शानदार नज़ला रोकता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल हकीम ज़्यादातर तिब्बी दवाओं में करते हैं। आलू बुखारे का शरबत, गर्मी के मौसम में हर शख्स को चाहिए कि इसका शरबत बनाकर पिए, क्योंकि हमारे खाने गर्मी के मौसम में भी बहुत मिर्ची और गर्माश वाले होते हैं, ताकि पेट में तकलीफ़ ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।